डॉली मेरा रुमाल देना यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे डॉली सुनाई नहीं दे रहा क्या, रुमाल कहाँ है मेरा? अरे डॉली तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अरे क्या है यार, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, बात तो करने दो जरा। कितनी बार बोलना पड़ेगा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रुमाल कहाँ है मेरा? अगर इतना ही लेट हो रहा है तो खुद से ले लो ना, ड्रॉअर में पड़ा हुआ है। तुमसे ना कुछ कहना ही बेकार है, जब देखो अपनी बहन से ही चैट करती रहती हो। सारा दिन घर का काम ही करती रहूं, अपनी बहन से चैट ना करूं क्या? अगर काम ही करवाना था तो घर पे नौकरानी ले आते, बहू क्यों लेके आए? अरे यार तुम्हारा काम ही कितना है, क्या ही करती हो तुम घर का काम? हाँ बर्तन वाली आती है, झाड़ू पोछे वाली आती है, बस एक खाना बनाने का ही तो काम है, वो भी तुमसे नहीं होता। तो आपके कहने का मतलब क्या है, मैं घर का काम नहीं करती? अरे यार मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आज हमारी शादी को एक महीना हो गया है और डेली डेली खाना बनाती है मम्मी, मैं तो बस यही कह रहा हूँ आज के दिन तुम खाना बना दोगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है। अरे मेरे पतिदेव खाना तो मैं बना दूंगी, पर तुम मेरे से वादा करो शाम में मूवी दिखाने लेके चलोगे ना? हाँ हाँ बाबा मूवी देखने भी जाएंगे, लेकिन हाँ आज खाना सिर्फ तुम ही बनाओगी, मम्मी से मत बनवाना, ठीक है? ठीक है। अब मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। अरे माँ क्या सारा दिन काम में लगी रहती हो, कभी अपने आप को आराम भी दे लिया करो। और हाँ सुनो, आज का खाना ना आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डॉली को बोल दिया है आज का खाना वही बनाएगी। डॉली क्यों बनाएगी, मैं हूँ तो बनाने के लिए, और मैं घर में करती क्या हूँ सारा दिन? अरे माँ कभी कभी आराम भी कर लिया करो ना, वो भी जरूरी है शरीर के लिए, आप डेली तो खाना बनाते हो। अब मैं बोल रहा हूँ ना आज का खाना डॉली के हाथ से खाएंगे। बेटा एक खाना बनाने की तो जिम्मेदारी है, वो भी तुम उससे छीन ले। अरे मैं करती क्या हूँ सारा दिन, सारे काम के लिए तो मेड लगी हुई है ना, एक खाना है वो मैं ही बनाऊंगी। अरे माँ आपको बोला ना, क्यों जिद करती हो, आज डॉली को ही बनाने दो, आज आप आराम करो बस, ठीक है? आज बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ का खाना खाने का। अच्छा सुनो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा ध्यान से जाइयो। जी। अरे हाँ हाँ बॉस मैं आज आपको मेल कर दूंगा शाम तक, हाँ हाँ उसकी टेंशन मत लीजिए आप। जी। अरे यार ये काम का प्रेशर भी ना, अब डॉली खाना ले आओ यार, भूख लग रही है बहुत तेज। अरे वाह डॉली तेरा स्टाइल तो परोसने का बिल्कुल माँ जैसा हो गया। टेस्ट भी बिल्कुल माँ जैसा है, क्या बात है खाना बनाना सीख गई तू। ये डॉली ने नहीं तेरी माँ ने ही बनाया है। अरे माँ आपने खाना बनाया है, डॉली कहाँ पर है? अरे बेटा उसके ना सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने उसको कहा कि तू जाके आराम कर, बस वो आराम कर रही है अपने रूम में। अरे माँ ये सब ना उसके ड्रामे हैं, कोई बीमार बीमार नहीं है वो, जब उसको शॉपिंग करा लो, घुमा लो, फिला लो, एंजॉय करवा लो, ऐश करवा लो, तब इसकी तबीयत खराब नहीं होती, और जब खाना बनाने का टाइम आता है तब इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे नहीं बेटा तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहू की सच में तबीयत खराब थी और मैंने उसको बोला था कि अगर तेरे सर में दर्द है तो तू लेट जा थोड़ी देर आराम कर ले, ऐसा क्यों बोल रहा तू मेरी बहू के बारे में? अरे माँ आप ना बहुत ज्यादा भोले हो, आप नहीं जानते आजकल की लड़कियों को, और वैसे भी दिन में ना अपनी बहन से चैटिंग कर रही थी और मुझे पता है क्या बोल रही थी, बोल रही थी कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, और जब खाना बनाने का टाइम आया तो महारानी बीमार पड़ गई। कोई बात नहीं बेटा, खाना बहू बनाए या मैं बनाऊं तुझे तो खाना खाने से मतलब है ना, तू खाना खा। आ गए आप, बस मेरे को 2 मिनट दो, मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ठीक है? मैं भी आई। हाँ हाँ मूवी पे भी चल लेंगे, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ मेरी तबीयत दिन में थोड़ी तो खराब थी, बट मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलें? यार तुम्हारी तबीयत का भी अजीब है नहीं, जब काम करने की बारी आती है तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे तुमसे कितनी भी मौज मस्ती करवा लो, अपनी बहनों से चैट करके यही सब सीखती हो क्या तुम? मेरी बहनों को ना बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, और मेरे पापा ने ना यहाँ मुझे काम करने के लिए नहीं भेजा, इतने ही शौक है तो नौकर क्यों नहीं रख लेते खाना बनाने के लिए? ना ना तुम्हें तो यहाँ पे ऐशो आराम करने के लिए भेजा है, फोन यूज करने के लिए भेजा है, अपनी बहनों से चैट करके हमारी बुराई करने के लिए भेजा है, सास ससुर पे हुकुम चलाने के लिए भेजा है, और जब काम करने की बारी आए तो यहाँ पे बीमारी का बहाना मारने के लिए भेजा है ना? खबरदार मेरे घर वालों को ना बीच मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कितने अरमानों से उन्होंने मेरी यहाँ शादी की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था जहाँ पे मेरी शादी करवा रहे हैं वहाँ के लोग एक नौकर तक नहीं रख सकते खाना बनाने के लिए। डॉली अपनी ना हद में रहो, देख लो पहले कि तुम किससे बात कर रही हो, और हाँ दिख रहे हैं तुम्हारे माँ बाप के संस्कार। हाँ हाँ मारो मुझे, अब यही सब तो बाकी रह गया, एक टाइम पे तुम्हारी माँ से खाना क्या बनवा लिया, तुम इतना कुछ बोलने लगे मुझे, सब समझ में आ रहा मुझे तुम्हारा? मतलब क्या समझ आ रहा है तुम्हें, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे इस गंदे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है।
गंदगी मेरे दिमाग में नहीं है, गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। और मुझे ना सब समझ में आ रहा है कि तुम मुझे परेशान करके मेरे पापा से दहेज लेना चाहते हो। दहेज? अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। हमारे परिवार में ना किसी चीज की कमी नहीं है जो हम तुमसे दहेज मांगेंगे। मुझे ना कुछ नहीं सुनना, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। और मेरे को ना एक पल भी इस घर में नहीं रहना जहाँ पे लोग दहेज के लालची हूँ। जा रही हूँ मैं, और अब मिलते सीधा कोर्ट में, समझे तुम? हाँ तो जाओ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का।